हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तमाम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि यीशु सृष्टि और माया को काम बता के आ जाती है कि तुम दोनों पता करो कि अर्जुन ने ये काम तो नहीं किया। और सृष्टि माया को बोलती है कि तू अर्जुन को कॉल करके बुला। इधर यीशु घर आ जाती है थोड़ी देर में और अपनी बुआ के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ बुआ इतनी अर्जेंट में। तो उसकी बुआ कहती है आज आपके पापा घर पे थे और मैंने उनको ये रिकॉर्डिंग सुना दी है। तो कहते हैं व्हाट कि हाँ, तो पापा ने क्या बोला, आपसे बात करेंगे पापा। पापा अभी कहाँ है, ऊपर टेरेस पे आ जाओ। तो यीशु अपने पापा के पास जाते हैं और नॉर्मली पहले उनसे हाल चाल लेते हैं। उसके पापा फिर पूछते हैं कि यीशु आपके मम्मा ने आपको मारा बेटा। कहती है हाँ पापा, एक थप्पड़ और एक साथ में फ्री मिला था, बाय वन गेट वन फ्री था। आई एम सॉरी बेटा, मैंने आज आपके पास इस टॉपिक पर तो सारी बातें की तो आज पता चला, और कुछ बाकी रह गया है क्या। एक तो तुम्हारी मम्मा, यीशु बोलते पापा मम्मा की गलती नहीं है, सारी गलती उनके मायके वालों की है। और आपको तो पता है ना, मम्मा किसी की भी बातों में आ जाती हैं, तो उन पर गुस्सा मत करो, उनसे कुछ मत कहना। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसके बाद यीशु अपने रूम में आती है और फिर जैसे वो रूम में आती है राबिया का कॉल आता है। राबिया बोलती है जनाब कहाँ बिजी हो दो दिन से, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। यीशु कहते बेबी वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी थे ना, इसलिए मैंने सोचा आपको परेशान ना करूँ, आप खुद फ्री होकर कॉल कर लोगी। तो राबिया कहती अच्छा, लेकिन एक मैसेज करके पूछना चाहिए था ना यार। यीशु कहती है मैं भी बिजी थी ना, तुमको तो पता है ना कितने सारे काम रहते हैं मुझे। अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं, वैसे यीशु मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाना सीखा है। अच्छा और क्या बनाना सीखा है, घर आओ यही देख लेना, मम्मी भी घर पर नहीं है। ये सुन के यीशु के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और बोलती है ओके मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। यीशु बाहर जाने लगती है तो उसकी मम्मा कहती है बेटा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। यीशु कहती है मुझे नहीं करनी, जाओ अपने मायके वालों से बात करो, उनकी बात मानो, आपको सच्चे लोगों की ज़रूरत नहीं है। सॉरी आपको सच्चे लोगों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हम तो झूठे हैं, पापा झूठे मैं झूठी सब झूठे। और ऐसे बोल कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ मार्केट में जाती है, राबिया के लिए डेरी मिल्क लेती है। उसके बाद राबिया के घर आती है, जैसे ही वो घर में एंटर होने लगती है तभी बाहर एक बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप कौन है पहले आप ये बताओ। तो यीशु कहती है मैं राबिया की फ्रेंड हूँ, मुझे अंदर जाना है। तो कहता है कि मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। तो राबिया सीधा आंटी को कॉल करती है और उनकी बात कराती है। तो आंटी कहती है इसे कभी रोकना नहीं, ठीक है अंदर जाने दो, आज फर्स्ट टाइम रोका, आज के बाद कभी मत रोकना। यीशु उसके बाद अंदर आती है, बेल बजाती है तो राबिया गेट खोलती है। यीशु को देखते तो कहती है हाय जमना आ गए आप, और ये कह के उसे हक करती है और एक किस देती है। यीशु उसको चॉकलेट देती है और राबिया कहती है हाय आप सब कुछ भूल सकते हो लेकिन ये चॉकलेट नहीं ना। कहती है हाय मैं तुम्हें भी भूल सकती हूँ लेकिन ये चॉकलेट नहीं। तो यीशु उसको मतलब राबिया उसके ऐसे शोल्डर पे मारती है, कहती कुछ भी। तो कहती है अच्छा क्या बनाया था वो बताओ। कहती है हाँ ना चलो बनाया है, आप ही का फेवरेट है। यीशु को लेके आती है डाइनिंग टेबल पर बैठाती है और खुद किचन में चली जाती है। और फिर प्लेट में लेके आती है और यीशु के सामने रखती है। यीशु उसे देखते तो कहती है सीरियसली कड़ी चावल और ये तुमने बनाया है सच में। राबिया कहते हैं हाँ,
और मैंने अपने हाथ से बनाया है। 1 महीने में की मेहनत लगा कर सीखा है मैंने, कितनी बार बनाया, कितनी बार बिगड़ा, और जब इस बार बनाया है तो मुझे थोड़ा ठीक ठीक सा लगा। तो अब खा कर बताओ कैसा है। यीशु कहते हैं, यार सच में तुमने बनाया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा जान। फिर वो थोड़ा सा टेस्ट करते और कहते, यार लाजवाब, अमेजिंग, डिलीशियस, यार कसम से स्वादिष्ट। राविया बहुत खुश होती है तारीफ सुनकर और कहती है कि लाओ मैं खिलाऊंगी अपने हाथ से। दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। उसके बाद लास्ट का बाइट वो खिला के जैसे ही राविया उठने लगती है, यीशु राविया का हाथ पकड़ के अपने पास खींचती है और उसे अपनी गोद में बैठाती है और कहती है, कहाँ चली, यहाँ आओ मेरे पास। इतनी जल्दी क्या रहती हो तुम्हें मेरे पास से जाने की। कहती है, तो क्या करूँ। कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे पास मेरे करीब बैठी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम बीत गया ना, हमने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारा। ये कहते हुए यीशु के हाथ कभी उसके हाथों को सहलाते तो कभी उसकी कमर को, और रावे अपने होश खोते जा रही थी। वो उसके बाहों में कसम कसाती है और कहती है, यीशु छोड़ो ना, क्या कर रही हो। यीशु कहती है, क्या कर रही हो, अपनी जान को प्यार कर रही हूँ और क्या कर रही हो। कितना टाइम हो गया, हम दोनों को एक दूसरे के साथ सही से मौका ही नहीं मिला बिताने का। उस दिन आपके बर्थडे वाले दिन भी होटल में सो गए, नींद आ गई दोनों को। अब कुछ तो चाहिए ना, तो रविया कहते हैं, जनाब बहुत जल्दी नहीं है आपको। कहते हैं, हाँ जल्दी तो है, थोड़ा इत्मीनान रखिए, थोड़े इंतज़ार का मजा लीजिए। और ये कह के वो यीशु का हाथ झटके से झटकती है और तुरंत उसके गोद से खड़ी होकर पीछे हो जाती है। इससे पहले यीशु को समझ पाती, उसे रोक पाती, वो किचन में चली जाती है, किचन में सारी प्लेट्स वगैरह रखती है। तो यीशु पीछे से आती है और उसकी कमर में हाथ डालती है और उसे खुद से एकदम सटा लेती है और कहती है, कहाँ कहाँ जाओगी। तो यीशु उसे फिर से पीछे करती है और किचन से बाहर आने लगती है। तो उसे फिर से पकड़ के अपने पास खींचती है और कहती है, कहाँ चल दिए, जरा इधर तो आओ, मेरे दिल को यू ना तड़पाओ, बोले सितम कर, मान भी जाओ। तो राविया कहती है, नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। ये कह के वो आगे बढ़ती है तो यीशु जो है वहीं स्लैब के साथ ऐसे टच हो के और खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए कहती है, इंतहा हो गई, इंतजार की हो आईना कुछ खबर मेरे यार की है, मुझे ये यकीन। तो यीशु राविया कहते हैं, यार क्या हो गया आपको, कड़ी चावल में मैंने कोई नशे की दवा तो मिलाई नहीं थी, फिर क्या हो गया आपको। तो यीशु कहते हैं, अब ये तो तुम ही जानो, तुमने नशे की दवा मिलाई थी या नहीं मिलाई थी, और कड़ी चावल का नशा है या आपका नशा है, ये तो आप ही जान सकते हैं। मुझे तो
पता नहीं। हाँ तो कहती है कि अच्छा सच में, कहती और क्या, कहती पता है तुम्हारी आँखों का नशा है, तुम्हारी बातों का नशा है, नशा है तुम्हारे मेरे इतना करीब होने का, नशा तुम्हारे बदन की खुशबू का है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नशा है। ये कड़ी चावल का नशा नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि तुम्हारे हाथों से बना है इसलिए शायद नशा कर रहा हो, बाकी और कुछ नहीं। अब राविया शर्म से अपनी आंखें झुकाने लगती है तो ईशु उसके गले के पास अपने ऑटो को लेके जाती है और कहती है तुम्हें पता आई लव यू मोर देन एनी थिंग, मैं तुमसे जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो रवि बोलती है यार पता है मुझे, तो ईशु बोलती है इतना ठंडा रिएक्शन, तो कहती है नहीं मैं सच में जानती हूँ कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो ईशु अपने होठ राबिया के गर्दन पे रखती है तो राबिया के होठों से एक आह निकल जाती है और खुद को हल्का सा छुड़ाने की कोशिश करती है। तो ईशु उसे और टाइटली अपनी बाहों में जकड़ लेती है और कहती है क्या हो गया बोलो। तो कहती है क्या हुआ, कहती है यार, और क्या कि वो राबिया को अपनी तरफ पलटती है, उसकी आंखों में देखती है तो राबिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। ईशु कहती है राबिया आंखें खोलो प्लीज़ मेरे लिए, तो राबिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है, दोनों की आंखों में लाल डोरे थे, दोनों की आंखों में एक दूसरे का नशा अच्छे से उतरा हुआ था। तो ईशु कहते हैं हाय इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, तुम्हारी ये आंखें हैं या शराब का जाम, इन्हें देखते ही नशा हो रहा है, इतनी नशीली आंखें मैंने आज से पहले किसी की नहीं देखी है। लेकिन कि ईशु राबिया के दोनों आंखों को बारी बारी चूमती है और राबिया के हाथ उसके शोल्डर पे अपनी ग्रिप मजबूत करते हैं। ईशु राबिया को अपनी बाहों में भरे भरे उसके आंखों से होते हुए उसके दोनों गालों को चूमती है और उसके बाद धीरे से अपने होठों को उसके होठों पे रखती है। जैसे उसके होठों पे होठों को रखती है थोड़ी देर वैसे ही होठों को रखे रहती है, करीब 30 सेकंड के बाद वो पीछे होती है और उसके बाद कहते हैं यार इनमें भी अलग ही नशा है, खुद को डुबा देने का मन चाहता है। ये कह के जैसे वो राबिया को फिर से अपने करीब करती है तो राबिया पीछे होती है और कहती है संभालो खुद को ईशु, क्या हो गया आपको, कहती है बस एक किस। तो राबिया कहते हैं नहीं अब कोई किस नहीं, तो ईशु कहती है प्लीज़ बस एक,
तो कहती है नहीं चलो अभी आप ऊपर रूम में चलो, तो कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक किस दे दो ना प्लीज़। तो रवि वहाँ से जाने लगती है, यीशु उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है सुनो ना मेरी बात तो सुन लो यार, मान जाओ ना। और यीशु जैसे ही सीढ़ियों पे, रविया जैसे ही सीढ़ियों पे पहुँचती है, यीशु सीढ़ियों पे दौड़ते हुए जाती है और रविया को जोर से पकड़ के उसे वहाँ दीवार से लगा देती है और कहती है सिर्फ एक किस। तो रविया अपने होठों पे अपना हाथ रख लेती है और कहती है नहीं। तो यीशु बड़ी नशीली आंखों से उसे देखते हुए कि एक गाना गुनगुनाती है कि छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो तुमको बख्शा है, हाँ सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। तो रवि उसे बड़े ध्यान से देखती है, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।